नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। सुबह 5:45 का टाइम है, हम हैवलॉक आइलैंड में सनराइज़ देखने के लिए इस समय काला पत्थर बीच के पास पहुंच गए हैं। सामने मेरे बीच है, ये शॉप्स देख लीजिए अभी क्लोज्ड हैं, और ये है जी फेमस काला पत्थर बीच फॉर सनराइज एट हैवलॉक आइलैंड। आइए जी, और ये देखो जी कितने लोग खड़े हैं यहाँ, तो ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं सनराइज़ का। लवली, पहले 15 मिनट की मूवमेंट्स थी ना, वो बड़ी एक्सक्लूसिव थी। जैसे गोल्डन कलर रहता है ना, ऑरेंज गोल्डन, तो वैसा महसूस हो रहा था कि काश अगर काले बादल नहीं होते तो हम देखते समुद्र के बीच से सूर्य का उदय हो रहा है, ऐसा महसूस होता। ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। ये बीच देखिए, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर पानी के ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, जस्ट 1 or 2 feet इज़ ओके, बट ज़्यादा अंदर जाने वाला बीच नहीं है ये। मजा तो आया, नो डाउट। ये भी देखो, सुबह 5:30 बजे दुकान खोली हुई है इन्होंने। रिफ्रेशिंग, नाइस। मुझे लगा एक काम करते हैं हम लोग ना, राधानगर बीच का ना मॉर्निंग व्यू देख लेते हैं। वैसे कल शाम को भी हम यहाँ पर आए थे, तो सोचा सुबह का व्यू देखते हैं 15 से 20 मिनट, फिर यहाँ से हम अपने होटल चले जाएंगे। राधानगर बीच की ना ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, यहाँ की सैंड बहुत सॉफ्ट है, हाथ में उठाने से भी अच्छा लग रहा है और चलने में भी बढ़िया लग रहा है। आओ जी, देखो मैं तो यहाँ पर नहाने के उद्देश्य से नहीं आया, लेकिन जनरली लोग जब यहाँ पर आते हैं ना तो उनका प्लान ये होता है। देखो सामने एंजॉय कर रहे हैं ना, वो लहर जब आती है तो जंप करते हैं, उनको अच्छा लगता है। पानी देखो ना नीचे कितना साफ दिख रही है सैंड, खुद ही आपको रियलाइज हो जाएगा कितना मस्त बीच है, बहुत बढ़िया है ना। ये देखो सनसेट के समय क्या होता है, शाम के समय ना सूरज वहां पर सामने होता है, अगर आप जल्दी आ गए मान लो 3 बजे तो सनलाइट आपको सामने से हिट करती है। अभी क्या सूरज मेरे उधर है, तो मैं समुद्र को ना एकदम क्लियर देख रहा हूं। सोचकर तो मैं आया था 15 से 20 मिनट यहां पे रुकूंगा, अब यहां आने के बाद ना टाइम तो कैसे निकल जाता है, लगभग 1.25 घंटा तो ऑलरेडी हमको यहां पर आए हुए हो गया है। सही है जी, अब चलते हैं हम यहां से अपने होटल, चल के नहा के रेडी हो जाते हैं। हम अपने होटल से चले और अभी हैवलॉक की मेन मार्केट आए हैं। आप मार्केट देख लो कैसी दिख रही है, 3-4 शॉप्स हैं और 2-3 रेस्टोरेंट्स और हैं, मतलब कुल मिला के लेंगे तो सब मिलाकर 20 शॉप्स। अब यहाँ पर हम नाश्ता करने वाले हैं, सामने आपको दिख रहा है शिवाय, यहाँ नाश्ता करेंगे, हम इधर जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब आप हैवलॉक आकर ट्रैवल करना चाहोगे, एक ऑप्शन तो ये है कि ऑब्वियसली आप पूरे दिन के लिए कैब ले लो, सेकंड होती है आप पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉप ले लो। अब हमारी गाड़ी जिसमें हम आज सुबह गए थे
काला पत्थर, फिर वापस हम काला पत्थर से राधानगर बीच तक गए, वहाँ ड्राइवर ने हमको ड्रॉप कर दिया। इसका चार्ज हमने 2000 रुपीज़ है मॉर्निंग का। और अब जो हम आए हैं हमारे होटल से यहाँ तक, बगल में ही स्कूबा डाइविंग पॉइंट है वहाँ तक, उसका हमने 700 रुपये चार्ज दिया। तो कुछ देर पहले मेरे को एक ऑटो वाला मिला था, तो मैंने पूछा सेम सवाल कि अगर मॉर्निंग में हम ऐसे कर रहे होते तो आप क्या चार्ज लेते। तो मुझे एक आइडिया हुआ, अगर कहीं पे हम 700 रुपीज़ टैक्सी का चार्ज देते हैं तो ऑटो का चार्ज 400 के आसपास होगा फॉर द सेम जर्नी, जैसा हमेशा हर जगह होता है। लेकिन ये है कि ऑटो वाले का नंबर पहले लेके रख लो, जब आपको जाना है आधा घंटा पहले बता दो कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ। तो ये मेरे को पता लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए जी नाश्ता करेंगे। नाश्ते में ना मैंने अपने लिए इडली सांभर लिया है, साथ में इन्होंने दो किस्म की चटनी दी है। देखो इडली ना अभी एकदम ताजी ताजी बन रही है, वो देखकर ही मेरे को पता लग गया, और साथ में हाथ लगाया तो खुद ही फील हो गया कि फ्रेश है इडली। देखो इस चटनी में ना नारियल भी है, अदरक भी है, मिर्च भी है, लेकिन मिर्च इतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा तीखा लगे, लेकिन फ्लेवर फुल ऑन है, बहुत खूब। क्या बात है, देखो ये चीज बहुत अलग है और ये चटनी बहुत अलग है। धनिया के साथ जैसे कोकोनट और थोड़ी मिर्च तो है ही, लेकिन धनिया के टेस्ट ने समा बांध दिया। What an amazing taste. इन्होंने कॉम्बिनेशन ऐसा बना दिया है कि एक बार तो हमारे जैसे लोग जो खाने के शौकीन है कहेंगे कि दो इडली और दे दो, साथ में चटनी ये वाली और दे दो। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, गजब। सांभर टेस्ट करने से मेरे को ना इसका टेस्ट मोर लाइक केरला सांभर लग रहा है। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने आप में इडली चटनी के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि विदाउट सांभर ऑल्सो दिस इज टेस्टिंग सो नाइस। अपने लिए मैंने अब केरला परोठा मंगाया है, सिंगल पीस, साथ में सब्जी है, ये है मटर और आलू। केरला साइड जाएंगे ना तो इसको मालाबार परोठा बोलते हैं, बड़े सारे कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेस्टोरेंट्स ईटरीज इसको सर्व करती हैं, वेज कॉम्बिनेशन नॉन वेज कॉम्बिनेशन, और ये बनता है मैदे से। इस कॉम्बिनेशन में ना जो सब्जी है एक ग्लास है, मसाले कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल समझ लो, सिर्फ नमक है और एक आध मसाला हल्का सा। इडली सांभर बहुत अच्छा था और ये केरला परोठा भी मेरे को बहुत पसंद आया। आप लोग सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हैं? हम लोग सर 4 बजे स्टार्ट करते हैं। 4 बजे ब्रेकफास्ट? हाँ। तो अगर मैं 4 बजे आऊँगा? हम लोग बनाता रेडी करता और 7 बजे ओपन करता। 7 बजे 3 घंटे खाली ब्रेकफास्ट, अगला महीना से लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों। बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी हम लोग ना बीच नंबर 2 के पास खड़े हैं, यहाँ पर हम स्कूबा करने के लिए आइलैंड डाइवर्स पे आए हुए हैं, बगल में इनका ऑफिस है। और लैंडमार्क के तौर पे यहाँ पर एक फेमस रेस्टोरेंट है समथिंग डिफरेंट, इन्होंने मेरे से ना फॉर्म भी फिल करवा लिया जिसमें मेरी डिटेल्स हैं, और साथ में बेसिक हमें इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और अब बताया कि हम आगे बोट में बैठ के जाएंगे, वहाँ हमको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाई जाएंगी और दोबारा से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। अब आगे चलने से पहले ना हमारे को वेट सूट पहनना है। आप हमें लेके चल रहे हो भैया? अभी जितना हम पानी साफ देख रहे हैं नवंबर दिसंबर में, इससे भी ज्यादा साफ होता है? इससे भी ज्यादा। अच्छा जी, अब ये देखो नीचे की जो सैंड है ना एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि 20 मीटर तक पानी का रंग व्हाइट है और वहां पर ब्लू है 20 मीटर के आगे। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। हो सकता है आपको 2-3 बार बोलना पड़े तब हमें समझ। वैसे भी हमने स्लो लर्नर है, आम आदमी फटाफट समझता है, देर से समझ में आती है। स्टार्ट को लेफ्ट हैंड, बस नोज के साथ में ब्लॉक करें इसको,
उसके बाद में स्टार्ट को बैक। हम लोग डाइव करने के लिए ना सी शोर साइड से निकल चुके हैं। मनोज भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने बड़े अच्छे से हमें सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और हमें अच्छे से समझ भी आ गया, हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया। अब हम जहाँ जा रहे हैं बेसिकली इस बोट में, वो पॉइंट वो है सामने जी सर, आपने बताया उसको ट्राइब गेट बोलते हैं जी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब होगा। पानी का जो रंग इस समय हम देख रहे हैं ना, ये मूवमेंट है, इससे छोटा वर्ड नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है, शान सा पानी है, अभी ज़्यादा तेज नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं ना, हाई टाइड टाइप्स नहीं ले रहा ना, अभी लो टाइड हो रही है। चलो जी चलते हैं, मैंने रिक्वेस्ट करी थी 30 सेकंड के लिए थोड़ा स्लो कर दो, अब हम नॉर्मल स्पीड पे चल सकते हैं। सो अगेन आपको वेट पहनना पड़ेगा। 5 kg बेल्ट हमने पहन लिए। ओके, आप अपने शूज रिमूव करें, इसमें लेफ्ट राइट नहीं है। अच्छा, वैसे सब पुश करें और दोनों साइड के स्ट्रैप को आप खींच लीजिए। ठीक है, वैसे कभी ऐसा होता है किसी का ये नीचे निकल जाता हो? सर नहीं। सबसे फर्स्ट आपको इस क्यूबा गियर किटअप करना होगा। किटअप करने के नहीं, अभी नहीं है, दिखाने के लिए फर्स्ट हम आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे, उसके बाद में आपको करना है। एंड किटअप करने के बाद में पार्शियली अपने जैकेट को एयर इन्फ्लेट करना होगा। अच्छा, ओके ओके, ये वाला ठीक है। मार्क्स ऑन रहेंगे एंड देन रेगुलेटर को आपको माउथ पे लेना होगा। परफेक्ट। एंड रेगुलेटर एंड मार्क्स को सिक्योर करने के लिए हम राइट हैंड का पाम का यूज़ कर रहे हैं, तो पाम से आप रेगुलेटर को सपोर्ट करेंगे एंड देन मार्क्स को सपोर्ट करने के लिए आप फिंगर्स का यूज़ करेंगे। सपोर्ट सपोर्ट मींस व्हाट? कि ये निकलना है। अच्छा, क्योंकि आप बैक रोल मतलब पीछे की तरफ से अच्छा, फर्म ग्रिप देने का। सो हम ओके का साइन ऐसे भी यूज़ करते हैं। हमें भी करना है सर? नहीं, यस हमें भी करना होगा। मैं आपको बता नहीं सकता मैं स्कूबा डाइव करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए मार्क्स को पकड़ के रखिए सामने से, दोनों नहीं, यस दोनों नहीं को ज्वाइन करिए, फोटो को स्टिल रेडी, 1 2 3। अभी रेगुलेटर निकाल सकते हैं सर। अभी आप एक काम कीजिए, हाथ को हटाइए, दोनों हाथों को छोड़ दीजिए, रेगुलेटर को माउथ से बाहर निकालिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लगा आपको? लगा तो मेरे को ये कि डाइव स्टार्ट हो गई या नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था। सीरियसली इंटरेस्टिंग है। तो स्लोली डिसेंड करेंगे वाटर पे, सो प्लीज लेट कर, ये बंद करो, लगाओ नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा लेट चाहिए। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मेरे लाइफ का सेकेंड स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस सक्सेसफुल हो गया, बहुत खूब।
वैसे इस पूरे एक्सपीरियंस में ना दो तीन चीजें अगर मेरे को बतानी पड़े, मेरे को सबसे ज्यादा मजा किस में आया, एक तो सी एनिमोन और क्लाउनफिश को देखना, दैट वॉज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। सी प्लांट देखना और अंडर वाटर वो ब्रीदिंग कंट्रोल करने का सिस्टम को इंजॉय करना, रादर देन सेइंग वो मजबूरी है वही से करना, लेकिन एक इंजॉयमेंट होता है ना कि आप नोज से ब्रीद नहीं कर रहे, आप मुंह से ब्रीद सांस ले रहे हो और मुंह से ही छोड़ रहे हो, और मेरे को ऐसा कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ। आपके कानों में प्रेशर फील हुआ? देखो सच बताऊं तो मेरे को प्रेशर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ना प्रिवेंटिव जो आपने बोला था प्रेशर फील हो तो करना, मैंने बिना उसके कर दिया। मैंने हर 5 मिनट के बाद ना अपने नोज को ऐसा होल्ड कर लेता था जिससे कि वो वैसे मेरे को दिक्कत ना आए। वो ऐसे टेंटिकल्स मूव कर रहे थे, एक्चुअली उसे सी एनिमोन कहते हैं, सी एनिमोन। हाँ, उसके अंदर पे क्लाउन फिश रहता है और इसमें थोड़ा बहुत न्यूरोटॉक्सिन होता है। हाँ। अगर हमारे हाथों वगैरह में लग जाए तो इससे थोड़ा बहुत एलर्जिकल फॉर्म हो सकता है हमारे बॉडी पे। तो उसके टेंटिकल्स ऐसा मूव होते रहते हैं? हाँ सर, वो एक्चुअली कह सकते हैं कि वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर में ही जिंदा है। एक्सपीरियंस मजेदार रहा। चलो जी, अब यहाँ से हम चल रहे हैं, और वैसे ना हमारी 2:30 बजे की गवर्नमेंट फेरी है जिसमें हम लोग नील आइलैंड जाने वाले हैं, और मुझको ऐसा लग रहा है हमने यहाँ पर जो 1.5 डे बिताया वो कम बिताया, जस्टिस करने के लिए 2 दिन देना चाहिए, तभी आप सब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देख सकते हो और भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो। और बहुत बार क्या होता है एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हम समुद्र किनारे बैठे हैं, हमें उसी में मज़ा आता है, तो अगर टाइम कम होगा तो समय कम मिलेगा ना। चलो जी, अब हम चलते हैं और फिर चल के शावर ले लेते हैं। चलो ग्रेट। बस बस थैंक्स। इसमें सर आपके लिए सोया सॉस है, चिली सॉस है, विनेगर है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। थैंक्स। एम्बियंस आप लोग का अच्छा है? थैंक यू। अभी रिसेंट में हम लोगों ने इसको अपडेट किया, रेनोवेट किया। यस। वैसे नूडल्स की जो क्वांटिटी है ना 2 लोगों के लिए सही है, चिली गार्लिक नूडल्स, बहुत ज़्यादा चिली नहीं है, ओवरऑल गुड टेस्ट। जेटी के रास्ते पे ना हमने हेलीपैड देखा है। देखिए ये हेलीपैड ना सिर्फ मेडिकल पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है आज की डेट में, कि अगर कोई बीमार पड़ गया इमरजेंसी है तो पोर्ट बेल ले जाते हैं हेलीकॉप्टर, आम टूरिस्ट के लिए डिफिकल्ट है। वैसे तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको स्वराज द्वीप का जो जेटी पॉइंट है वो दिखा दिया था, फिर भी अब यहाँ आए हैं तो आप दोबारा देख लो ये जगह कैसी दिख रही है। सामने नॉटिका की प्राइवेट फेरी आ रही है, हमने गवर्नमेंट फेरी में जाना है, वो देखो सामने आ रही है, एकदम कट टू कट टाइम आती है, जैसे अब 2:20 हो गए हैं, 2:25 2:30 को यहाँ पहुँचेंगे, और विदिन 5 to 7 minutes या 10 minutes मैक्सिमम चलो यहाँ से। हमने इसका जो चार्ज दिया यहाँ से नील आइलैंड जाने का वो दिया 3520 रुपये 4 लोगों का, और जब हम पोर्ट ब्लेयर से यहाँ आए थे उसका भी हमने 3520 दिया था, 3520 फॉर 4 पीपल। प्राइवेट फेरी कैसे डिफरेंट है गवर्नमेंट फेरी के मुकाबले में, उसके लिए तो मुझे सफ़र ही करना पड़ेगा, ऐसे कह पाना मुश्किल है ये। लेकिन एक चीज़ समझ आ रही है, प्राइवेट फेरी ना अंदर से क्लोज्ड है, ऐसा मैं नॉटिका को देख के आइडिया लगा रहा हूँ। यहाँ पर चांस होता है कि आप ऊपर जा सको और थोड़ा सा बाहर सी को देख सको। फेरी बोर्ड करने के बाद मैं 10 मिनट तक तो अपनी सीट पे बैठा रहा, फिर मेरा मन हुआ ऊपर चलते हैं और ये सी जर्नी इंजॉय करते हैं। अब हम डेक पे खड़े हैं और व्यू देख लो जी, कितना अमेजिंग है, लवली एक्सपीरियंस। 1.25 घंटे का टोटल सफ़र है हैवलॉक टू नील, और किलोमीटर पर आवर में अगर हम बात करें तो मैंने पूछा तो आप मुझे कन्वर्ट करके बता दो नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर पर आवर, तो इन्होंने बताया 33 किलोमीटर का ये टोटल सफ़र है, राइट। तो अब देखो
जैसे आधा पौना घंटा इंजॉय करते निकल भी गया, पता भी नहीं चला, और बस आधा घंटा हो रहा है और उसके बाद हम लोग नील आइलैंड पहुंच जाएंगे। मस्त लग रहा है। नील आइलैंड पहुंच गए हैं। पहुंच गए बढ़िया। तो भैया हमारा सामान बाहर तक पहुंचा देंगे, एकदम बाहर तक गाड़ी। तो मैंने ये देखा है कि पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील तीनों तरफ फिक्स चार्ज है 200 रुपीस, आप हेल्प ले सकते हो। तो ये आपका सामान गाड़ी तक बाहर पहुंचा देते हैं। लो भैया मैं मदद करता हूँ, रखो जी। हमारे टैक्सी बाहर खड़ा है। कौन सा होटल है सर? होटल तो बाद में जाएंगे, पहले टैक्सी पे जाएंगे हम लोग। होटल कौन से? होटल का क्या नाम है, हमारे नाम ही भूल गया, रॉयल नील। हो गया भैया सारा सामान? चलो चलो साथ चलो। यहाँ से सनसेट पॉइंट कितना दूर है? 3 किलोमीटर। क्या नाम बोलते हैं उसको? लक्ष्मणपुर बीच। इस समय हम लक्ष्मणपुर 2 बीच के जस्ट बाहर ही खड़े हैं, बस कुछ यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे और बीच साइड तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्मणपुर 2 बीच पहुंच करना। सबसे पहले मैंने जो चीज़ नोटिस करी, यहाँ जो एंट्री है ना एकदम नॉर्मल जैसे बीच साइड होती है ना वैसी फील नहीं हो रही। बीच में हमको ना कुछ डेड कोरल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभिजीत से हमारी बात हुई, अभिजीत यहाँ पर टूरिस्ट को गाइड करते हैं। तो भाई एक चीज़ बताओ, ये जो डेड कोरल्स हैं उसके बारे में बता दो। ये डेड कोरल्स जो है सर, ये डेड होते क्यों है, ये जो है एक सी प्लांट होता है, ठीक है? तो ये बिना पानी के ये मर जाता है। अच्छा। लाइव रहने के लिए 24 आवर्स पानी स्टेबल होना है एक ही जगह, तो ही ये लाइव रह सकते हैं। अच्छा, ओके। जो है लो टाइड है फुल, अभी जस्ट हाई टाइड में कन्वर्ट होने के लिए स्टार्ट हो गया है, तो अभी कुछ ही देर में पानी भर जाएगा। पानी कहाँ तक आ जाएगा? वो रेत तक आ जाएगा सर, जहाँ से नीचे आए ना हम लोग। अच्छा, वहाँ तक पानी आएगा। और ये पानी एकदम सडनली नहीं आएगा, धीरे धीरे जो है बढ़ता रहता। तो ये देखिए लाइव शंख है सर, ये डेड कोरल्स में एकदम फिक्स बैठा है। तो ये जब पानी हाई टाइड हो जाएगा ना, तब ये मूवमेंट करने लगेगा। अच्छा। इसके अंदर एनिमल होता है, वही ऊपर का जो शेल है उसको ग्रो करते। बहुत बढ़िया, आओ आगे चलते हैं। ये देखिए स्पाइडर क्रैब, इसका नेम से है। ये बाकी क्रैब से बहुत ही अलग है, ये जो है कोई भी कोरल्स पे अगर बैठते हैं तो साथ साथ कैमोफ्लैश हो जाता है। अच्छा। जैसे कि लिजर्ड की तरह अपना रंग बदल लेता है, लेकिन कोरल्स के हिसाब से। लिविंग कोरल्स बहुत तरह से कलरफुली होता है, तो वो कलर के हिसाब से ही अपना रंग बदलता है। देखिए डेड कोरल्स पे है, उसके कलर ही एज इट इज है। तो ये कितनी जल्दी कलर बदल लेता है ये सर? मतलब 1 मिनट, आप पकड़ लीजिए 1 मिनट में अंदर। क्या बोलते हैं इस क्रैब को जो कलर बदल लेता है? स्पाइडर क्रैब सर, स्पाइडर क्रैब। या सेम रूट फॉलो करना है, ओके सर सबको। ओके, आप लोग जो ब्रिज देखने आए ना, आपका मेन डेस्टिनेशन, हाँ हाँ। तो ये सामने पे जो रॉक फॉर्मेशन दिख रहा है, यही है नेचुरल ब्रिज। एक बहुत बड़ी चट्टान थी जो बेसिकली सब एक ही थी, तो सुनामी के दौरान वो टूट गई और एक नेचुरल ब्रिज सा बन गया। आइए जी, यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी पानी आ रहा है करके आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर पहले से ही पानी है सर, इसी वजह से यहाँ पर लाइव कोरल्स है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, किसी के भी साइंटिफिक नेम नहीं है, ये जो शेप वाइज नेम्स रखे गए हैं सर, ये हनीकॉम कोरल्स है। ये दोपहर में जब बहुत डार्क सनलाइट पड़ते इस पर, तब उसमें जो होल्स वगैरह है वो ओपन क्लोज होते रहते हैं। तो यहाँ पर पानी भी क्रिस्टल क्लियर है, इसका यही रीज़न है कोरल्स जो है ना लाइव कोरल्स 24 आवर में पानी को प्योरीफाई करते रहते हैं, इसी वजह से पानी एकदम साफ है। पानी से ही आना है। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे लाइव कोरल्स नहीं देखे जो यहाँ पर आके हम देख रहे हैं। स्टेप रखिए सर, फिर आगे।
कहाँ रखे? अभी यहाँ पर हम लोग पहुंच गए सर फिश फीडिंग पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर लाइव कोरल्स बहुत सारे हैं, आ जाइए। ओके, नीचे जो कलरफुली कोरल्स दिख रहे सर, सबके नेम्स है कॉलीफ्लावर कोरल, क्योंकि ये शेप उसी तरह है, एकदम सेम है। और यहाँ पर फिशेस जो है ना, उनका घर होता है लाइव कोरल्स, उसमें जो होल्स वगैरह रहते हैं वो नाइट को स्टे हो जाते हैं। यहाँ पर हज़ारों फिश होता है, जो आपको थोड़ा गौर से देखने से मालूम चलेगा, सब ज़ेब्रा, बटरफ्लाई और नाइट क्वीन फिश है। ये देखिए, ये अभी तक जितने भी कोरल्स दिखाए आपको, सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ये सब कोरल से बहुत हार्ड होते हैं। और देखिए इसमें जो पैटर्न दिख रहा है, लिपर्ड जैसा दिख रहा है। लाइव कोरल्स को टच नहीं करते, वो करना अलाउ नहीं है, वो टोटली इलीगल है, क्योंकि कोरल्स बहुत मंथ लेकर ये ग्रो करते हैं, इसका एक टाइमिंग होता है। और ये जो कोरल है ना सर, ये 7 ईयर्स में 1 इंच ग्रो होता है ओनली। अच्छा, हाँ। तो देखिए सर, यहाँ पर जो कोरल्स दिख रहे हैं आपको, सभी कोरल जो है पहले से इस तरह कलरफुली नहीं होता है। फर्स्ट जो है फिशेस की बैक्टीरिया और एल्गी और सैंड, ये तीनों चीज़ों से जो है कोरल्स बनते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लेकर बनता है। आज तो बादलों की वजह से सनसेट दिख नहीं रहा है, नहीं सर, लेकिन वैसे कहाँ पे हो रहा है सनसेट? ये देखिए, ये सामने ही एकदम यहाँ इस पॉइंट से भी लोग देखते हैं। ये सामने जो बादल हाँ। है यहीं पे सनसेट होता है? हाँ, वो बादल के पीछे ही है सर। तरफ को जो आइलैंड दिख रहे हैं, इसका भी कुछ नाम है क्या? हाँ सर, ये पोर्ट ब्लेयर है। ये सामने? हाँ, ये पोर्ट ब्लेयर है। अरे आइए, अभी यहाँ पे देखिए सर, ये बहुत डीप वाटर का क्रिएचर्स है। ये देखिए ऑयस्टर शेल है सर, ये जो है बाई मिस्टेक अगर फिंगर फंस गया है तो रिटर्न नहीं आ सकता है, क्योंकि ये टोटली क्लोज्ड हो जाता है, बाइट करता है बहुत टाइटली। देखिए मैं हाथ ले जाऊंगा तो सफ़ेद हो जाएगा। देखिए सर, ये कैसे हुआ? क्योंकि वो उसको मालूम हो गया है सर कि कुछ मेरा ऊपर से जा रहा है, इसलिए वो बाइट करने की ट्राई कर रहा है। ये देखिए, ओके सर, ये सामने पे जो दिख रहा है ये पोर्ट ब्लेयर आइलैंड है। अच्छा, देखिए ऐसा देखने से तो लग रहा है कि बहुत पास है। हाँ, बहुत पास है, लेकिन फेरी में बहुत टाइमिंग लग गए, लेकिन आइलैंड जो है पास दिख रहा है। और ये राइट साइड में जो दिख रहा है ये हैवलॉक है। बताओ, हम लोग हैवलॉक से 1.25 घंटा लगा के पहुंचे और यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि 6-8 किलोमीटर होगा, ऐसा महसूस हो रहा है। ओके, अभी थोड़ा फास्ट चलना है सर, क्योंकि टाइट की लेवल बढ़ रहा है, हम लोग इसी तरफ चलेंगे। अभी सर यहाँ पे आ जाइए, लाइन से जो पेड़ लगा हुआ है सी पाइनएप्पल है सर, ये जो है ईटेबल नहीं है, बट पहले जो है ये अंडमान पे जो ट्राइबल्स रहा करते थे ना, आदिवासी हम लोग जिसे कहते हैं, उस लोग ये फल खाते थे। तो ये देखिए सर, ये सी स्नेल है, ठीक है, ये जो है हाई टाइड होने पर ये चलने लगते हैं, इसके अलावा जो है ये कोरस पे इस तरह लगे रहते, तो पूरा दिन भर जो सनलाइट होता है ना उसके पीछे इसमें लगे हुए पानी की वजह से काई से एकदम काला हो गया, इसका नेचुरल कलर एकदम वाइट होते। पूरा सी के अंदर जो है सबसे लेजी एनिमल से जाना जाता है ये, सी कुकुम्बर नाम है इसका सर। तो ये देखिए, ये सिर्फ टाइड्स के सहारे इधर उधर चल सकते, उसके अलावा ये एकदम कोरल से अटैच रहते। तो वो देखिए, इसका बॉडी में जो काटा काटा शेप दिख रहा है ना, वही से ये अपना जहर छोड़ता है, ये काफी जहरीला होता है। तो ये आप विदाउट स्लीपर पहन के यहाँ पर घूमेंगे तो आपको इचिंग वगैरह भी हो सकते हैं। ब्रेन कोरल, यहाँ पर एक लाइव कोरल्स है, तो ये एकदम ब्रेन जैसा ही दिख रहा है, और इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है सर, ये टोटली लाइव है और ये बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे आने के लिए सर बेस्ट टाइमिंग होता है लो टाइड, एकदम फुल लो टाइड में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि शैलो वाटर में देखने में अलग मज़ा है आपको, फुल लो टाइड में जो है उसमें गर्मी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा बहुत पानी मिलते रहेगा, आपके नी के नीचे पानी रहेगा तो ठंडा भी मिलते रहेगा और मैरीन लाइफ का भी मजा अलग है। ये है कि लो टाइड के समय कोरल, हाँ, सब कुछ जो है आप क्लियरली दिख पाएंगे, लेकिन हाई टाइड में तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नीचे केयरफुली स्टेप रखना है देख के। ये क्या? ये सर पेड़ों से जो पत्ती गिरते है ना, वही सब सड़ जाते हैं समुन्द्र में। वैसे इसके अलावा और कोई गंदगी नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लोग रोज साफ करते सर।
और यहाँ पर जो है गाइड करने के एक ही रीज़न है, यहाँ का जो मैरीन लाइफ है ना उनको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करने देते, उनको हम सेफ रखते प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइफ कोर्स जो है बहुत ही मुश्किल से इसको रखने पड़ते हैं कि जितना लाइव रहेगा हम लोग भी उतना दिन बच सकते हैं, क्योंकि कोरल जो है वाटर की जो वेव्स है उस प्रेशर को रोकते हैं, इसी वजह से हम लोग गाइड करते हैं। रॉयल नील रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, आज का नाइट स्टे हमारा यहीं पर है। मैं रूम के बाहर खड़ा हूं, आपको वैसे बता देता हूं क्योंकि लगेज हमारा पहुंच चुका है। सामने जिसका दरवाज़ा खुला है ना जिस रूम का, वो हमारा रूम है। डबल ऑक्यूपेंसी में 3000 रुपीज़ टैरिफ है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। कल के प्रोग्राम के बारे में भी आपको बता देता हूँ, कल मॉर्निंग में हम सबसे पहले सनराइज़ देखने जाएंगे और उसके बाद यहाँ दो और फेमस सी बीचेस हैं, लक्ष्मणपुर बोलते हैं और भरतपुर बोलते हैं, तो उसके बाद अगर बीच में कहीं टाइम मिला तो और कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे, अदरवाइज़ हम लोग को जाना है पोर्ट ब्लेयर। जब हम बुकिंग करवा रहे थे ना तो हमारे को फर्दर बुकिंग मिल नहीं रही थी, तो अब वो बुकिंग नहीं मिल रही थी मतलब पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए अगले 24 घंटे ब्लॉक थे, तो हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी बट टू लीव दिस प्लेस एट 11 AM टुमारो। तो यानी हमारे पास जो टाइम होगा कल सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का है नील आइलैंड में। फिलहाल आपको मैं यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर योर टाइम।